नमस्कार, विद्युत समाचार में आपका स्वागत है। पेश है आज की प्रमुख खबरें। भारत ने कहा पाकिस्तान एक आतंकी देश है, करता है युद्ध अपराध। संयुक्त राष्ट्र महासभा के सत्र में पाकिस्तानी प्रधानमंत्री नवाज शरीफ द्वारा कश्मीर का मुद्दा उठाए जाने के कुछ घंटे बाद भारत ने गुरुवार को एक आतंकी देश बताया और उस पर आरोप लगाया कि वह आतंकवाद को प्रायोजित करने की अपनी दीर्घकालिक रणनीति के जरिए भारतीयों के खिलाफ युद्ध अपराधों को अंजाम देता है। संयुक्त राष्ट्र में भारत के स्थायी मिशन की पहली सचिव ई गंभीर ने कड़ा जवाब देते हुए कहा कि जिन लोगों को संयुक्त राष्ट्र ने आतंकवादी करार दिया है वे पाकिस्तान की सड़कों पर खुलेआम घूमते हैं और सरकार की मदद अपनी गतिविधियों को अंजाम देते हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने वार रूम में बिताए 2 घंटे। उड़ी में आतंकवादी हमले के बाद भारत पाकिस्तान में मौजूद आतंकियों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की तैयारी कर रहा है। कहा जा रहा है कि उड़ी हमले के बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने वार रूम में 2 घंटे बिताए थे। इस दौरान उन्होंने सेना के साथ आगामी रणनीति पर भी चर्चा की। समाचार चैनल एबीपी न्यूज के अनुसार प्रधानमंत्री कार्यालय के पास स्थित वार रूम में मोदी ने 20 सितम्बर को 2 घंटे बिताए थे। नियंत्रण रेखा पर घुसपैठ की 2 कोशिशें नाकाम। सेना ने आतंकवादियों की पाकिस्तान अधिकृत कश्मीर से घाटी में घुसपैठ की 2 कोशिशों को नियंत्रण रेखा पर नाकाम कर दिया है। सेना के एक प्रवक्ता के मुताबिक घुसपैठ की कोशिशों को नाकाम करने के लिए उड़ी और नौगांव में अभियान जारी है। कश्मीर घाटी में पैलेट गन पर नहीं लगेगी रोक। जम्मू कश्मीर उच्च न्यायालय ने जमीनी हकीकत को देखते हुए घाटी में भीड़ को नियंत्रित करने के लिए पैलेट गन के इस्तेमाल पर प्रतिबंध लगाने और इसके इस्तेमाल की मंजूरी देने वाले अधिकारियों पर मुकदमा चलाने वाली याचिका को खारिज कर दिया है। न्यायाधीश एन पॉल वसंत कुमार और न्यायमूर्ति अली मोहम्मद मागरे की खंडपीठ ने भीड़ को नियंत्रित करने के लिए पैलेट गन के इस्तेमाल पर रोक लगाने वाली कश्मीर उच्च न्यायालय बार एसोसिएशन की याचिका को खारिज करते हुए कहा कि केंद्रीय गृह मंत्रालय ने पैलेट गन के इस्तेमाल के मुद्दे पर पहले ही एक विशेषज्ञ समिति गठित कर दी है। आप विधायक सोमनाथ भारती गिरफ्तार। आम आदमी पार्टी के विधायक सोमनाथ भारती को एम्स की 4 दीवारी गिराने के लिए भीड़ को उकसाने और सुरक्षा अधिकारियों के साथ दुर्व्यवहार करने के आरोप में गुरुवार को गिरफ्तार कर लिया। भारती गिरफ्तारी के साथ ही पिछले 24 घंटे में दिल्ली पुलिस ने पार्टी के दूसरे विधायक को गिरफ्तार किया है। ये थे अब तक के मुख्य समाचार। और ज्यादा जानकारी के लिए लॉगिन कीजिए हमारी वेबसाइट www.webdunia.com। नमस्कार।